नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है बुधवार 27 जुलाई राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को सालाना 2 बार मिलेंगे प्रमोशन के मौके। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। सबसे बड़ी और अच्छी खबर है आपको बता दें कि डीपीसी के बाद रिव्यू मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को सालाना 2 बार प्रमोशन के मौके दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विधायक का भाई नकल करवाते गिरफ्तार। एसएससी एमटीएस एग्जाम में डमी कैंडिडेट बैठाया, पुलिस ने सेंटर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अब तक 4 जगहों पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करवा चुके हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नकली नोटों की कमाई से लग्जरी होटलों में एस, बॉलीवुड वाली महंगी ड्रग्स के एडिक्ट हैं, करोड़ों का बंगला देख पुलिस भी हैरान। राजस्थान में नकली नोट प्रिंट करने वाले अब तक के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा हो चुका है। बीकानेर में पकड़े गए से आरोपियों से पुलिस ने 2.74 करोड़ से ज्यादा रुपए की नकली नोट बरामद किए थे। देश भर में इन्होंने ये नकली नोट चलाए हैं। अब इनसे हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान ने बताया है कि इस गिरोह के सभी सदस्यों के बड़े बड़े शौक थे। बड़े बड़े शहरों में रहना, होटलों में रहना, कॉल गर्ल्स बुलाना, ये सब इनके शौक थे। महंगी गाड़ियों में घूमना, कहीं आने जाने पर महंगे होटल में ठहरना, लाखों रुपए एक दिन में ये उड़ा देते थे। गिरोह के मास्टरमाइंड संपालाल ने नकली नोटों के धंधे से बीकानेर में आलीशान बंगला भी बना लिया है। ये जुआ चट्टा में बड़ी रकम लगाते थे। सभी सदस्य महंगे नशे में जैसे एमडी और अफीम के भी आदि हैं। अब इनसे सबसे बड़ा एक नशा है वो बॉलीवुड वाला नशा मिला है। ये भी पता चला है कि पुलिस गिरफ्त में मौजूद से युवक एमडी जैसा सबसे महंगा नशा करते हैं। नोका में पिछले दिनों एमडी की तस्करी करते हुए युवक भी गिरफ्तार हुए थे। अब ये पता लगाए जा रहे हैं कि कहीं नशे के कारोबार में तो इनका भी हाथ नहीं है। इसे बनाने पर भारी भरकम रकम खर्च की गई है। बताया जा रहा है कि मकान में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी तरह गिरोह के एक अन्य सदस्य ने बीकानेर की मांगी कॉलोनी वृंदावन एनकोल में मकान ले रखा था। पुलिस इनकी प्रॉपर्टी देखकर भी हैरान है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 जुलाई को आएंगे हिंडोली। 1500 करोड़ के विकास कामों का करेंगे शिलान्यास, 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। बूंदी के हिंडोली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री 30 जुलाई को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के विकास कामों का शिलान्यास करेंगे। अगली बड़ी खबर, नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। रेलवे और कृषि विभाग में नौकरी लगाने का झांसा, अब जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। रेलवे ग्रुप डी में कृषि विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। वहीं नौकरी नहीं लगाने के बाद जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर बात कर लेते हैं, सबसे अहम खबर है, पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई नेताओं को पुलिस ने मंगलवार 2 पर हिरासत में लिया है। दिल्ली में ईडी ऑफिस और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के सांसदों और प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेताओं को किंग्स वे कैंप पुलिस लाइन ले जाया गया है। देर शाम सभी को छोड़ दिया गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 8 इंच तक बारिश, 2 बच्चों की मौत। जोधपुर में 78 साल में सबसे भारी बारिश हुई है। भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ में सैलाब, बाइक, कारें सब बह चुकी हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे से अलग अलग एरिया में लगातार बरसात हो जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जोधपुर में 78 सालों में पहली बार जुलाई में भारी बारिश हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली में जबरदस्त पानी गिरा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कारें, बाइकें, चिलेंडर सड़कों पर बहते नजर आए हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे। अब आगे क्या है ये हमें देखना जरूरी है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि वर्तमान में पूरी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का असर आगामी 48 घंटों तक राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, उदयपुर के आसपास के जिलों में बना रहेगा। इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले मोदी और शाह राजस्थान में भी केंद्रीय एजेंसियों को लगाएंगे। कहा चुनाव से पहले राजस्थान में भी ईडी की सापे पड़ेंगे, लंबे संघर्ष को तैयार रहें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में भी ईडी और सीबीआई सापों की संभावना जताई है। सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस के सत्याग्रह में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां इनका केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग कुचक्र शुरू हो जाता है।
जिस तरीके से देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मोदी जी और अमित शाह राजस्थान में भी पूरी प्लानिंग के साथ केंद्रीय एजेंसियां के दुरुपयोग का कुशागर चलाने जा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम इनका बिना घबराए स्वागत करेंगे, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है और सच हमारे साथ है। वहीं अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त को जयपुर में स्वराज दिवाली तिरंगे से सजेगा शहर। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को पिंक सिटी जयपुर आजादी के महापर्व पर स्वराज दिवाली मनाकर दिल्ली में नया इतिहास देश में इतिहास रचेगी। ये समारोह आजादी की प्रेरणा देने वाले महापुरुषों, स्वतंत्रताओं और सेनानियों और नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित होगा। अगली बड़ी खबर, कॉलेज में एडमिशन के लिए बढ़ाई आखिरी तारीख, अब 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। उससे अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 70 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी स्कूल बैग सहित निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग पर होगा सीएम अशोक गहलोत का फोटो। गहलोत सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 70 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने जा रही है। इसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई थी। साथ ही बच्चों को स्कूली बैग भी मिलेगा जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो होगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बैग और यूनिफॉर्म देने पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गधा बकरी की राजनीति में उलझी भाजपा, गहलोत सरकार को दिया प्रदेश में गधा और बकरा चोर निवारण प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव। ये है वजह, कांग्रेस की जनसुनवाई में सत्तापक्ष के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पुलिस पर चोरी की गई बकरे को बेचने के आरोप लगा दिए। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर प्रदेश में बकरा और गधा चोर गैंग को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश में गधा और बकरा चोर निवारण प्रकोष्ठ बनाए जाने का सुझाव भी दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कोविड प्रोटोकॉल के साथ प्रिकॉशन डोज अवश्य लगाएं। देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, साथ ही प्रिकॉशन डोज अवश्य लगाएं। वहीं अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ में बेच दिए सांसद और राज्यपाल। सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यसभा राज्यपाल बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का एक भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार हो गया है। सीबीआई ने आपको बता दें कि कमलाकर प्रेम कुमार बंदरगर दिल्ली एनसीआर खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार बंदगर खुद को सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी और बड़े नेताओं का करीबी बताता। अधिकारियों के अनुसार आरोपी लोगों को राज्यपाल, राज्यसभा, सांसद, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सरकारी संगठनों में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का झांसा देते थे। इसके बदले में वे 100 करोड़ रुपए तक की डील करते थे। सीबीआई की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने अचानक बुलाई कैबिनेट की बैठक, सीबीआई रेड पर नाराजगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के व्यावसायिक ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई रेड के भड़के सीएम अशोक गहलोत ने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। की बात कर लेते हैं। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी